स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत में भी कुछ पार्टियां नसरल्लाह के मारे जाने से खुश नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नसरल्लाह को शहीद बता दिया। नसरल्लाह की मौत का जम्मू कश्मीर विरोध प्रदर्शन हुआ और बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। पीडीपी कांग्रेस को आतंकवाद का समर्थक बताया गया है। इसराइल ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को मार गिराया है। नसरल्ला के मारे जाने पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में नसरल्ला की हत्या के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग नसरल्ला के समर्थन में नारे भी लगाते दिखाई दिए। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तो नसरल्ला की मौत पर अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए, तो उनकी बेटी और उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने नसरल्ला को शहीद बता दिया। बीजेपी ने कहा कि ये पार्टियां आतंकवाद की समर्थक हैं। We feel very sad क्योंकि उनने जहां भी दुनिया में खास तौर से गाजा में जुल्मों से सितम हुआ उसके खिलाफ उनने एक्शन लिया, बात की, so our hearts are full of sadness। कमांडर है नसरुल्ला, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आतंकी नसरल्ला की मौत पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि नसरल्ला की मौत पर इंडी गठबंधन मातम मना रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर महबूबा, फारूक, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें गाजा तो दिखता है लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं दिख रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। जिन मासूमों को, निर्दोषों को इस आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हुई थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक। इल्तिजा मुफ्ती नसरल्ला को शहीद बता रही हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत को शांति बहाल करने के लिए इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। दुनिया की ताकतों को इसराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार एक साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए, अमन से रहो और अमन के साथ ही जिंदगी गुजारे। लास्ट में तो जब देखा जाता है बड़े बड़े जंग होते हैं और जंगों के बाद टेबल पे आके बात करनी पड़ती है। आतंकी नसरल्ला की मौत पर भारत में सियासी जंग छिड़ी हुई है। कोई उसे शहीद बता रहा है तो कोई शांति की अपील कर रहा है। इन पार्टियों पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। सुपर पावर ने इसराइल के लिए सैन्य तैनाती में भारी इजाफा किया, तो वहीं हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट एक सीक्रेट लोकेशन पर रवाना कर दी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट नंबर 910 के वॉर जोन में आने का क्या मतलब है, ये जानकर नेतन्याहू टेंशन में है। इसराइल ने जिस जंगी जेट से नसरल्लाह को मारकर उसका ट्रेलर दिखाया, इसराइल ने जिस बंकर बस्टर बम से नसरल्लाह को उड़ाया उसकी पूरी फिल्म दिखाई,
इसराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के साथ खामनेई को चढ़ा रहा है, लेकिन अब दहलने का नंबर इसराइल का है। हिजबुल्लाह खौफनाक बदले की वॉर प्लान पर एक्शन शुरू कर चुका है। वही इसराइल हिजबुल्लाह को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कमांडर मर रहे हैं, ताबूतों का ढेर बेरूत में लगा हुआ है। बेरूत को कब्रिस्तान बनाकर भी इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान के लड़ाका ग्रुप के टॉप कमांडरों की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ का ही सफाया हो चुका है। मगर इसराइल की टेंशन इतने भर से खत्म हो गई है, ये मुगलता ना नेतन्याहू ने पाला है और ना ही इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने। वजह है हिजबुल्लाह के असल आका लेबनान के इस फाइटर ग्रुप का रिमोट कंट्रोल तेहरान में है, जहां से हिजबुल्लाह की उस यूनिट को अब वॉर जोन में उतारा जा रहा है, जिसने इसराइल को सबसे ज्यादा बार दहलाया है। ये है हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी, जो पूरी दुनिया में यूनिट 910 के नाम से कुख्यात है। जिसे हिजबुल्लाह की काली कसाई यूनिट और हिजबुल्लाह के मोसाद एजेंट्स का नाम भी दिया जाता है। खामनेई के ऑर्डर पर यूनिट 910 के किलर सोल्जर्स इसराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेंगे, मगर कैसे? क्या है वॉर प्लान? कौन हैं यूनिट 910 के किलर एजेंट्स? इसके पास कैसे हथियार हैं? इनकी वॉर प्लानिंग क्यों दुनिया भर में कुख्यात है? जब आप ये सब जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर पहले सुनिए इसराइल के आर्मी चीफ का ये बयान, जो कि तब आया है जब उन्हें हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के युद्ध में उतारने का पता चला। סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. इसराइल को अंदाजा लग चुका है कि बहुत बड़ी आफत से अब भिड़ना होगा। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 के खूनी शिकारी इसराइल को दुनिया के कोने कोने में चुन चुन कर सबक सिखाएंगे। यूनिट 910 के लड़ाके ठीक उसी तर्ज पर काम करते हैं जैसे इसराइल के लिए मोसाद एजेंट्स। तो क्या है इन खूंखार किलर्स की पूरी डिटेल? कैसे बनते हैं बारूदी यूनिट 910 के कमांडर? ट्रेनिंग, हथियार और इंतकाम का मॉड्यूल पहली बार दुनिया के सामने आएगा। मगर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के नए चीफ की रेस में नसरल्लाह के चचेरे भाई के साथ एक और नाम भी आ गया है। एक सीनियर लीडर को लड़ाका ग्रुप की कमान मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के बाद जिस लीडर की तूती बोलती है उसका नाम है नईम कासिम। 71 साल के बुजुर्ग कासिम को हिजबुल्लाह में नंबर 2 कहा जाता है। नईम कासिम लेबनान के दक्षिणी इलाके से है, जिसने इसराइल के सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। नईम कासिम 70 के दशक से इसराइल के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे हैं। नईम कासिम को हिजबुल्लाह का ब्रेन भी कहा जाता है। नईम कासिम की छवि मुस्लिम विद्वान की है, जो धुर इसराइल विरोधी हैं। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम हिजबुल्लाह चीफ बने या फिर नईम कासिम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नसरल्लाह की गद्दी जो भी संभालेगा उसका मिशन सिर्फ एक है, वो है इसराइल से हिसाब बराबर करना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के किलर कमांडोज को सौंपी गई है। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 को ब्लैक यूनिट भी कहते हैं। ये यूनिट लेबनान के बाहर हिजबुल्लाह के दुश्मनों को बड़े हमलों से दहलाती है। यूनिट 910 का ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से करीबी रिश्ता है। यूनिट 910 के खूंखार शिकारी अफ्रीका और एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक में मौजूद हैं। यूनिट 910 का सुप्रीम कमांडर कमान तलाल हमिया है, जिसे अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूनिट 910 क्विक एक्शन लेने से पहले लंबे वक्त तक तैयारी करती है।
जो बेरूत से मिले ऑर्डर पर सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देती है। यूनिट 910 का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 32 साल से ये यूनिट इसराइल को जख्म देती आ रही है। इसराइल के खिलाफ यूनिट 910 को बनाया ही बदला लेने के लिए गया था। बात 1992 की है, जब इसराइल ने उस वक्त के हिजबुल्ला चीफ अब्बास अल मुसावी को मार गिराया था। 16 फरवरी 1992 को इसराइल के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दक्षिण लेबनान में अल मुसावी के काफिले को मिसाइल हमले से उड़ा दिया था। इसराइल के हमले में अल मुसावी, उसकी पत्नी, उसके 5 साल के बेटे और 4 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए थे। अल मुसावी की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 ने इसराइल को दुनिया के कोने कोने में दहलाया था। हिजबुल्ला की यूनिट 910 कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रही है। 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक सेंटर पर बमबारी को इसी यूनिट ने अंजाम दिया था। 2012 में यूनिट 910 ने बुल्गारिया के बरगास में इजरायली नागरिकों को ले जा रही बस पर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट 910 ने न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे समेत कई अहम जगहों पर टेरर अटैक का प्लान बनाया था। अमेरिका में हिजबुल्ला की यूनिट 910 का एक ऑपरेटिव अली कोरानी पकड़ा गया था, जिसने हिजबुल्ला की यूनिट 910 की डिटेल पहली बार उजागर की थी। हिजबुल्ला की यूनिट 910 के एजेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यूनिट 910 के लड़ाके अक्सर विदेशी नागरिकता रखते हैं और पहचान बदल लेते हैं। हाल के दशकों में यूनिट 910 के एजेंट्स का इनपुट दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उन जगहों पर मिला जहां इजरायली नागरिकों की मौजूदगी है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे यूनिट 910 के लड़ाके किस लोकेशन पर और कब अटैक शुरू करेंगे, इसे कोई नहीं जानता।